हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी टेक्नो फायर। सो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर यूट्यूब में सीटीआर क्या होता है। मतलब कि जैसे एडसेंस में सीटीआर होता है, बाकी एडवर्टाइजमेंट सिस्टम में सीटीआर होता है, सेम कंडीशन में आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा। अगर वाईटी स्टूडियो आप यूज करते हैं, अगर आप यूट्यूबर हैं तो करते ही होंगे, और आपने अगर वहां पे देखा होगा क्लिक थ्रू रेट, एक सीटीआर होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीटीआर। ओके, सो क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, इसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, या ये इंक्रीज करके क्या फायदा है आपका, वो सारी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, बेसिकली देखो सीटीआर क्या होता है। सीटीआर बेसिकली आपका क्लिक थ्रू रेट होता है। जब यूट्यूब आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो यूट्यूब उसका इंप्रेशन बाकी लोगों को भेजता है। ओके, मतलब आपकी वीडियो को बाकी लोगों को दिखाता है। जब हम यूट्यूब ओपन करते हैं तो ऐसे स्क्रॉल करते टाइम हमें बहुत सारी वीडियोस दिखती हैं, तो उसी में यूट्यूब हमारी भी वीडियो डालता है, उसी को कहते हैं हम इंप्रेशन सेंड करना। ओके, तो यूट्यूब हमारी वीडियो को बहुत सारी जगह पर सेंड करता है। सो अगर YouTube ने हमारी वीडियो 100 लोगों को सेंड की, मतलब 100 लोगों को हमारा इम्प्रेशन दिया, तो उनमें से कितने लोगों ने हमारी वीडियो पर क्लिक किया, इस चीज को ही हम क्लिक थ्रू रेट कहते हैं। ओके, इसको परसेंट में नापते हैं। ओके, सो अगर 100 में से 10 लोगों ने हमारी वीडियो ओपन की तो हमारा जो क्लिक थ्रू रेट होगा वो 10% होगा। अगर ज्यादा करते हैं तो ज्यादा परसेंट होगा, मतलब ये 100% से काउंट होता है। ओके, सो ये होता है क्लिक थ्रू रेट। अब इसका बढ़ने का या घटने का क्या फायदा या नुकसान है? तो देखो, अगर यार गाइज आपका क्लिक थ्रू रेट घट रहा है, इट मींस आपके नए व्यूवर्स नहीं आ रहे हैं। ओके, नए व्यूवर्स तभी आएंगे जब आपका क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा। मींस नए व्यूवर्स को आपका इंप्रेशन सेंड करेगा यूट्यूब, वहां पर नए व्यूवर्स उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा, इट मींस नए व्यूवर्स भी आ रहे हैं। अगर आपका क्लिक थ्रू रेट नहीं बढ़ रहा है, इट मींस नए व्यूवर्स नहीं आ रहे हैं। ओके, क्लिक थ्रू रेट कैसे बढ़ता और घटता दिखता है ग्राफ में, आप मेरे इधर साइड में देखिए, यहां पर मेरा पहले क्लिक थ्रू रेट कैसा होता था और अभी क्लिक थ्रू रेट कैसा होता है। इट मींस मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स भी आ रहे हैं और रिटर्निंग व्यूवर्स भी आ रहे हैं। ओके, रिटर्निंग व्यूवर्स का अलग ग्राफ होता है, ये बेसिकली सिर्फ क्लिक थ्रू रेट का ग्राफ है। ओके, सो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसको बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली दो चीजों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दो चीज कौन सी है? एक तो आपका थंबनेल, दूसरा टाइटल। थंबनेल और टाइटल पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखो लोगों को जब दिखता है आपका, जब YouTube आपका इंप्रेशन सेंड करता है तो लोगों को सिर्फ आपका थंबनेल दिखता है या टाइटल दिखता है, और बेसिकली 98% लोग थंबनेल देखकर क्लिक करते हैं, वो टाइटल और चैनल नेम नहीं देखते हैं। ओके, सो थंबनेल देखकर, आपको थंबनेल ऐसा बनाना है कि लोगों को, मतलब उनको एक सस्पेंस बने उसे देखकर कि हाँ यार मुझे ये देखनी चाहिए, आखिर इसमें ऐसा है क्या। ओके, ऐसा आपको थंबनेल बनाना है अपना। अगर आपका क्लिक थ्रू रेट 6 से कम है, इट मींस आपका थंबनेल अभी अच्छा नहीं है, आपको उसमें सुधार करने की जरूरत है। अगर आपका 8, 7 या 10 है तो हाँ आपका थंबनेल ठीक है, और अगर 10 से थोड़ा भी ऊपर है, इट मींस आपका थंबनेल बहुत अच्छा है। ओके, सो मेरा भी यार कभी कभी 10 पहुंच जाता है, कभी 8, कभी 7, बट 6 से नीचे कभी नहीं जाता। ओके, तो आप भी अपना थंबनेल जो है उसको बहुत ज्यादा अच्छा बनाइए। ये नहीं है कि आप गलत इंफॉर्मेशन थंबनेल में डाल दें, राइट? ऐसा ना हो किसी आपने कुछ गलत बात उसमें डाल दी और किसी अच्छे इंसान के पास पहुंच गई हो और उसने 3 डॉट पर क्लिक करके रिपोर्ट कर दी, चैनल पे स्ट्राइक पड़ जाएगी, समझ गए? तो उसमें अच्छी चीजें डालनी है लेकिन सस्पेंस बना के डालनी है। ओके, सस्पेंस बना देना है उसमें बेसिकली। इससे क्या होगा, लोगों में सस्पेंस बनेगा जब आपका इंप्रेशन उनके पास जाएगा और उस पर वो क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। और अगर वीडियो देखी किसी ने और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज 100% या सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, राइट? सो बेसिकली यही था आज के लिए। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मौज करो।